नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। रिया सिन्हा आपके साथ है। पिछले कुछ दिनों से आपके व्हाट्सएप पे, व्हाट्सएप का ऐप खोलते ही कुछ नोटिफिकेशंस स्क्रीन पर आ रहे होंगे, जिसमें डू नॉट अग्री नाउ और अग्री का ऑप्शन आ रहा होगा। क्या आपको पता है कि वो क्या है? बहुत सारे न्यूज़ आपने पढ़े होंगे कि फिलहाल व्हाट्सएप जो है नया अपडेट लेकर आ रहा है, जिसमें आपके प्राइवेसी को, आपके डेटा को वो रखने का, अपने पास रखने का परमिशन मांग रहा है। ये चीज़ें भी सच है, लेकिन और भी जानकारियाँ जो हैं वो अभी आपको जाननी बाकी है, जो कि मैं इस वीडियो में आपको आगे बताने जा रही हूँ। पहले भी हमने देखा है कि जब भी हम आपस में बातचीत करते हैं और डिस्कस करते हैं कि हमें ये प्रोडक्ट लेना है, ये प्रोडक्ट खरीदना है, तब आप जब फ़ोन खोलते हो तो आपको थर्ड पार्टी ऐप्स पे या फिर ऐप्स पे उसके एड्स आने शुरू हो जाते हैं। आपने कभी गौर किया है कि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब आप ऐप इंस्टॉल करते हो तो उसको आप तमाम परमिशंस देते हो, ऑडियो परमिशंस, आपके कॉन्टैक्ट सिंक करने का परमिशंस और बहुत सारे परमिशंस आप उसको प्रोवाइड कर देते हो, जिसके बाद वो आपके सारे डेटा जो है, आपके फ़ोन के सारे डेटा को अपने पास रख लेता है। साथ ही साथ आप जो आसपास माहौल में बात कर रहे हो उन सभी बातों को रिकॉर्ड करता है और उसी हिसाब से आपको एड्स प्रोवाइड करता है। फिलहाल कहा जा रहा था कि व्हाट्सएप में ये सारी चीज़ें नहीं थी, लेकिन अब व्हाट्सएप भी यही करने वाला है। आपके डेटा के लिए, आपके डेटा पाने के लिए वो आपसे ही परमिशन मांगेगा, और अगर आप उसको परमिशन नहीं देते हो, यानी कि वो अग्री वाला बटन नहीं दबाते हो, तो आपके व्हाट्सएप को आने वाले महीने यानी कि फरवरी में बंद कर दिया जाएगा। ये एक तरह से आप कह सकते हो कि ज़बरदस्ती आपके डेटा को वो खींचना चाहते हैं। बाकी सारे ऐप्स में आपने देखा होगा कि अग्री और डू नॉट एग्री का ऑप्शन था, अलाउ और डिनाई का ऑप्शन था, लेकिन व्हाट्सएप आपको ऐसा कोई भी ऑप्शन फरवरी के बाद नहीं देने वाला है। अगर आप फरवरी तक उसको अलाउ नहीं करते हो तो व्हाट्सएप आपका अपने आप डीएक्टिवेट हो जाएगा। अब बात ये आती है कि क्या व्हाट्सएप पहले आपके प्राइवेसी डिटेल्स को शेयर नहीं करता था, कि आपके डेटा को वो छुपा के ही रखता था और किसी को कुछ भी शेयर नहीं करता था? तो आपको बता दूं, ये गलत है। व्हाट्सएप जो कर रहा है वो कुछ नया नहीं है, बस एक ही बात इसमें जुड़ी है, वो ये कि अब वो आपसे परमिशन लेगा, लेकिन पहले कोई परमिशन नहीं लेता था, तब भी वो थर्ड पार्टी ऐप्स को आपके डिटेल्स शेयर किया करता था। यानी कि अब व्हाट्सएप आपसे लीगली परमिशन ले रहा है, ताकि आगे जाकर व्हाट्सएप इन सभी चीज़ों में ना फंसे, लीगल बातों में, लीगल एक्शन व्हाट्सएप के खिलाफ ना हो। ये सच है कि व्हाट्सएप पहले भी आपके प्राइवेसी डिटेल्स को शेयर करता था और अब आपसे परमिशन लेके डिटेल्स को शेयर करेगा। अब जो भी है, सभी का रिएक्शन आना शुरू हो चुका है। लोग कह रहे हैं कि ठीक है ना, डिलीट कर देंगे, व्हाट्सएप नहीं चलाना है, तो आप कहाँ जाइएगा? व्हाट्सएप बहुत ही पुराना, ट्रस्टवर्दी और सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाला ऐप बन चुका है, और उससे काफ़ी सुविधाएं भी हैं। चैट्स आप इजीली कर सकते हो, डिटेल्स आप इजीली प्रोवाइड कर सकते हो, इमेज, वीडियोस, डेटाज सब शेयर कर सकते हो, और बस अब यही होगा कि आपके प्राइवेसी में इन्वेजन होगा, यानी कि इन्वेड ऑफ प्राइवेसी। अगर हम राइट टू प्राइवेसी की बात करें तो यहाँ पर राइट टू प्राइवेसी की भी तौहीन हो रही है। हालांकि ऐप्स जो है अक्सर परमिशंस मांगते ही हैं आपके कॉन्टैक्ट वगैरह सिंक करने को। अब वही होगा कि व्हाट्सएप भी आपसे परमिशन मांगेगा, अगर आप नहीं देते हैं तो व्हाट्सएप आपके अकाउंट को बंद कर देगा। बहुत चिंता वाली बात भी है, और उन लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा जो पहले से ही व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि भैया पहले भी आपके इन्फॉर्मेशन शेयर होते थे, आपको पता नहीं था, लेकिन अब इन्फॉर्मेशन शेयर होंगे, वो भी लीगली फुल परमिशन के साथ। आगे आपको क्या करना है ये आप खुद ही डिसाइड कर सकते हैं। जो भी डिटेल्स, अपडेटेड इन्फॉर्मेशन होगा, सबसे पहले हम आपको पहुंचाएंगे। चैनल को आप इसके लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बिना सब्सक्राइब किए वीडियो कैसे मिलेगा? और नोटिफिकेशंस भी ऑन कर दीजिएगा, लाइक का बटन भी दबा दीजिएगा, शेयर का बटन भी दबा दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।